जय हिंद, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वैश्य पर न्यूज चैनल। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले शहर मुंबई में अब महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित होती जा रही हैं। मुंबई के साकीनाका इलाके में 30 वर्षीय महिला के साथ हुई रेप की वारदात में एक अहम सीसीटीवी सामने आया है। इसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि आरोपी बड़ी ही बेरहमी के साथ पीड़िता को सड़क पर पीट रहा है। पीटने के बाद वह पीड़िता को अधमरी हालत में एक टेम्पो में रख कर फरार हो जाता है। यह सीसीटीवी रात के समय का है, जिसकी वजह से तस्वीर ज़्यादा साफ नहीं है। मामले की जांच कर रही साकीनाका पुलिस के मुताबिक यह सीसीटीवी फुटेज आरोपी मोहन चौहान का है। यह सीसीटीवी आरोपी को सजा दिलाने में काफी सहायक होगा। साकीनाका रेप पीड़िता की घाटकोपर के राजवाड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार सुबह मौत हो गई। वो 2 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय ही उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडेनकर ने बताया कि पीड़िता के साथ बर्बरता हुई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफ़ी खून बह गया था। राजावाड़ी अस्पताल में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर लगातार पीड़िता के इलाज में जुटे हुए थे, हालांकि उनकी तमाम कोशिशें सफल नहीं हो पाई। इस वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया है। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक टेम्पो के अंदर 34 साल की एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद दरिंदगी करने वाले ने महिला के प्राइवेट पार्ट में निर्दयता से रॉड से हमला कर दिया। साकीनाका की यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड की याद दिलाती है। साकीनाका रेप केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि इस घटना में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस दिशा में जांच शुरू है। यह घटना साकीनाका के खेरानी रोड की बताई जा रही है। हालात की गंभीरता और गणेश चतुर्थी के मद्देनजर मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना करने के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन में डेरा डाला हुआ था, ताकि किसी भी प्रकार से हालात बेकाबू ना हो और कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। पुलिस के मुताबिक उन्हें गुरुवार देर रात तकरीबन 3:30 बजे कंट्रोल रूम में कॉल आया था कि एक महिला साकीनाका के खेरानी रोड पर बेहोश पड़ी है और खून से लथपथ है। सूचना के तुरंत बाद साकीनाका पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला का इलाज चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी के ऊपर IPC की धारा 307, 376, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कंट्रोल पे फोन आए थे, वहाँ पे एक टेम्पो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे। मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में तो पुलिस ने लेके गए। राजवाड़ी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किए थे और राजवाड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसमें ओपिनियन दिए थे सीसीटीवी फुटेज का आधारित और उनकी गोपनीय इन्फॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। आरोपी का नाम है मोहन चौहान, उम्र 45 ईयर्स है और उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। जिस नागरिकों ने फोन किया वो कह रहा था कि कुछ झगड़ा चालू है। मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए बहुत ही जो हमारे पुरुष है उनमें क्रूरता बहुत बढ़ रही है। ऐसी क्रूरता क्यों बढ़ती है? और जो जिस तरह की उनकी हालत थी, प्राइवेट पार्ट उसका बहुत ही डिस्टर्ब था, उसकी आतड़ी क्या बोलते उसको, वो सब बाहर आई थी। ब्लड बहुत ही लॉस हुआ था, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत था। डॉक्टर ने तो हमारे ऑपरेशन करके उसको ठीक ठाक किया, लेकिन इतना होने के बावजूद वो इतनी बेयर कर सकती है क्या? अभी भी वो सपोर्ट पे है, वेंटिलेटर 2 मिनट या 2 घंटा, इतनी हालत बेकार। 3 अलग अलग घटनाओं में महिला की सुरक्षा, इसकी चिंता महाराष्ट्र की वसूली सरकार को नहीं है। जिस तरह की घटनाएं बनी है, निर्दयता से ये रेप करने वाले लोग खुलेआम कायदा कानून का किसी प्रकार का डर नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार कुंभकर्ण की नींद से कब जागेगी और इन महिलाओं को कब न्याय मिलेगा? गृह मंत्री कहते हैं मेरी नज़र है पूरे मामले पर। आपकी नज़र गुनाह होने से पहले होनी चाहिए, गुनहगारों को आपका डर होना चाहिए। ये डर बिल्कुल निकल चुका है और इसके लिए ये निर्दयी महाराष्ट्र सरकार जिम्मेवार है। कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।